हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आपकी जन्म कुंडली में या लग्न पत्रिका में अगर मंगल छठे भाव में है तो वो किस तरह के फल देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मंगल आपको ज़्यादातर अच्छे फल देगा, लेकिन सब जगह आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे, कुछ इसके अशुभ फल भी रहेंगे। और सामान्यतया यहाँ पे मंगल अच्छे फल देता है। अब आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको मंगल अच्छे फल देगा और किन क्षेत्रों में अशुभ फल देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले आप एक दो चीज़ दिमाग में रख लें। एक तो ये कि मैं ये सामान्य फल आदेश कर रहा हूँ, ये किसी भी एक कुंडली पर पूरी तरह से लागू नहीं होगा, या शत प्रतिशत जो फल बताए गए हैं वो वहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर कुंडली में ग्रहों की व्यवस्था अलग अलग होती है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि आप छठे भाव में मंगल किस तरह के फल देगा, उससे पहले आपको मंगल के बारे में जानना जरूरी है और छठे भाव के बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद ही आप सही जान पाएंगे कि छठे भाव में मंगल किस तरह के फल देगा। तो छठे भाव से हम जीवन में क्या देखते हैं, काल पुरुष की कुंडली में छठा भाव कन्या राशि का आता है, कन्या राशि यानी बुध। तो छठे भाव के जो कारक ग्रह बनते हैं बुध बनते हैं, और उनके बाद दूसरे अगर स्तर पर जाते हैं तो केतु भी बनते हैं। मंगल यहाँ पे आना वो कुछ चीज़ों में शुभ है, कुछ में अशुभ है। अब उसके बारे में ही हम ये पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो छठे भाव को पहले जान लीजिए। छठे भाव आपको ये जीवन में दर्शाता है आपके, इसे रिपु भाव भी कहते हैं, मतलब कि शत्रु भाव। ये आपका रोग, आपका ऋण है, कर्जा है, फाइनेंशियल स्थिति है, उसको भी बताता है। आपके दुश्मन जो हैं, जो शत्रु हैं, आपको गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या चोट पहुंचाना चाहते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं, ऐसे कोई भी लोग हैं, वो आपके परिवार में भी हो सकते हैं, समाज में भी हो सकते हैं, जॉब में, रिश्तेदारी में, कहीं भी हो सकते हैं, जो आपका शुभ नहीं सोचते हैं, वो लोग यहाँ से देखे जाते हैं। छठा भाव मामा मौसी का भी है, मतलब आपकी माता के जो बहन भाई हैं उनके बारे में भी ये भाव देखा जाता है। इसके साथ साथ आप जीवन में जहाँ पर भी प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, आप चाहे जॉब में ले लीजिए या पॉलिटिकल फील्ड में ले लीजिए या ऑफिस में ले लीजिए, सोसाइटी में ले लीजिए, जहाँ पर भी बात कंपटीशन की है, प्रतिस्पर्धा की है, वहाँ पर छठा भाव ही देखा जाता है। और स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, जब भी आप बीमार पड़ोगे या कोई भी आपको स्वास्थ्य समस्या शुरू होगी तो वो छठे भाव से शुरू होगी। तो बीमारी के संबंध में छठे भाव को देखना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये जो है आपके रोग, ऋण और शत्रु तीनों हो गए। इसके अलावा इस भाव का एक इम्पोर्टेंस ये भी है स्वास्थ्य की दृष्टि से कि ये जो छठा भाव है इसका जो हिस्सा है वो हमारी नाभि और प्रजनन अंगों के बीच में आता है। तो आंतों से संबंधित प्रॉब्लम है या गैस्ट्राइटिस की है या अल्सर है या कोई भी पेट आपके डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से देखी जाएगी। या ये भी कह सकते हैं आपकी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो यहाँ पे अफेक्ट होता है। और बुध और केतु यहाँ के हैं तो बुध से संबंधित बीमारियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं, वो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो गैस्ट्राइटिस या बॉडी में वात का बढ़ जाना, इस तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो छठे भाव से हम ये चीज़ें देख सकते हैं। अब देखते हैं हम मंगल से क्या क्या देखते हैं। मंगल मंगल जीवन में आपके साहस का, ऊर्जा का, शक्ति का इनका प्रतीक है। वो शरीर में जो रक्त संचार है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसको देखता है। आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम है या कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, वो भी मंगल के अधीन ही है। बीपी लो है, बीपी हाई है, ये भी मंगल से देखा जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं
शारीरिक क्षमता की या शक्ति की या ऊर्जा की बात करते हैं। तो जीवन में आपके पास जो स्टेमिना होता है या चीज़ों के से लड़ने की क्षमता होती है, उनका मुकाबला करने की जब बात होती है, तो जो स्टेमिना चाहिए वो भी हम मंगल से देखते हैं। इसलिए मंगल को क्षत्रिय ग्रह माना जाता है, जो कि लड़ाई झगड़े का इनका है, योद्धाओं का है। वहाँ पे आपको शारीरिक बल चाहिए, वो शारीरिक बल चाहे आप दुश्मन से लड़ने में लगाएं या बीमारियों से लड़ने में लगाएं, वो एक अलग विषय है। लेकिन शक्ति जहाँ पर है वहाँ मंगल है। अग्नि तत्व ग्रह है मंगल। अग्नि मतलब ऊर्जा, माना शक्ति। आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम है तो वो जाके हार्ट पर रिफ्लेक्ट होती है, स्किन पर रिफ्लेक्ट होती है। तो ये चीज़ें भी हम मंगल से देखते हैं। आपके सर में जब ब्लड जा रहा है तो आपको ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बीपी लो हो रहा है या आपको हाई हो रहा है, बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो भी मंगल से ही देखी जाती है। आपका पूर मेटाबॉलिज्म है या ये रहा कि पित्त का ज़्यादा बढ़ जाना है, दुर्घटनाओं का होना है, बार बार चोट लगना है, कटना है, जलना है, छिलना है, ज़्यादा ब्लड बह जाना है, ये सब मंगल के अधीन है। आदमी का जो अहंकार है, झगड़े करने की जो प्रवृत्ति है, लड़ाई है, इस तरह की जो हथियारों से खेलना, चोरी, डकैती, ये सब मंगल के ही अधीन आते हैं। अगर हम मंगल से रिलेटेड कारोबार की या नौकरी पेशे की बात करें, तो जो अग्नि से संबंधित चीज़ें हैं या फिर इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या फायर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो, या इंजीनियरिंग में जो लोग हैं वो सब, या सर्जन है, टॉप सर्जन जो हैं, वो सब मंगल से ही देखे जाते हैं। तो मंगल कुंडली में आपकी जीवन शक्ति है। सूर्य जिस तरह आपकी आत्मा का कारक है, वैसे ही जीवन शक्ति का कारक भी मंगल है। जो लोग सेल्स मार्केटिंग में हैं या स्पोर्ट्स में हैं, उनके लिए भी मंगल इम्पोर्टेंट है। या पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, डिफेंस में हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी हैं, बेल्ट की जो नौकरी है, उनमें सब में मंगल देखा जाता है। तो अब मंगल जब छठे भाव में आएगा तो किस तरह के फल आपको मिल सकते हैं? एक तो ये यहाँ पे आपका ऋण मुक्ति दिलाएगा आपको, आपको फाइनेंशियल स्थिति सही रखेगा, आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके खर्चे पूरे होते रहेंगे, आपके पास इतना पैसा रहेगा। दुश्मन यहाँ पे कभी भी सर नहीं उठाएगा, वो पूरी तरह नतमस्तक हो जाएगा, और आपसे जो भी कोई दुश्मनी करेगा वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, और चले भी तो अंततः दुश्मन को हार माननी ही पड़ेगी, उसके पास कोई चारा नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि में ये देखा गया है, कई बार यहाँ पे मंगल नुकसान पहुँचाता है। मंगल यहाँ पे शुभ तभी माना जाएगा जब वो षडबल में मजबूत है या स्ट्रांग है। अगर यहाँ पे मंगल वीक है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, विशेषकर आपकी फाइनेंशियल स्थिति में। आपको जो नौकरी है, मंगल छठे भाव में जब आएगा तो नौकरी में आपके लिए अच्छा करता है, नौकरी में आपको प्रमोशन मिलते हैं, मनचाही नौकरी मिलती है, और आपको नौकरी से खुशी मिलती है। आपके सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी आपके साथ मिलके काम करते हैं, आपके सर्वेंट हैं या आप सर्विस कर रहे हैं, उससे ही आपकी जीवन में ग्रोथ होती है, आपकी डेस्टिनी वहीं रहती है। इसके साथ आप जब भी कभी गवर्नमेंट जॉब में जाओगे या कहीं पर भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जाओगे या कहीं कंपटीशन में भाग लोगे, तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। मुसीबतों से लड़ना हो, बीमारियों से लड़ना हो, कंपटीशन में लड़ना हो, स्पोर्ट्स में लड़ना हो, या सेल्स मार्केटिंग में कंपटीशन करना हो, या जॉब में कहीं पर भी, तो मंगल यहाँ पे बहुत शुभ है। थोड़ा सा हेल्थ की दृष्टि से सही नहीं है मंगल। यहाँ पे जब मंगल आता है तो आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, पेट की ज़्यादा पित्त बढ़ता है, उसकी वजह से आपको ब्लड इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, आपको पित्त की बीमारियाँ होती हैं, पेट में काफ़ी दिक्कतें आपको आ जाती हैं, और फीमेल्स के केस में मेंसेस रेगुलर हो जाती हैं या उन्हें अदर गायनेकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा ठीक नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों,
मंगल की जब यहाँ से मंगल अपने साथ भी दृष्टि डालता है 12वें भाव पर, तो वो भी आपके गुप्त शत्रुओं का भाव है, आपको बीमारियों का भाव है, होश प्रश्न का है। तो मंगल आपको ये करेगा, बीमार तो भले थोड़ा थोड़ा कभी कर दे, लेकिन हॉस्पिटलाइज नहीं होने देगा, आपके बड़े खर्चे नहीं होने देगा किसी भी कीमत पर, आपको विदेशों से भी लाभ दिलवाएगा। आपको अगर आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस में है तो उनमें भी आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जेल कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा है या कोई चीज़ें हैं वो आपके फेवर में रहती हैं, वो कभी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। अब मंगल यहाँ से अपनी 8वीं दृष्टि से लगन को देखता है। मंगल जब लगन को देख रहा है तो पक्की बात है कि व्यक्ति को यहाँ अहंकारी बना देगा, क्रोधी बना देगा, थोड़ा अड़ियल टाइप का बना देगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, वो अपनी बात को ऊपर रखने वाला होगा, दूसरों की सुनेगा कम, अग्रेसिव मोड में ज़्यादा रहेगा, ये यहाँ पे परिणाम देखने को आपको मिलेगा। मंगल जब अपनी चौथी दृष्टि जो है, अपनी छठे भाव में बैठकर चौथी दृष्टि वो 9वें भाव पर डाल रहा है, ठीक है दोस्तों। जब 9वें भाव पे अपनी दृष्टि डाल रहा है तो भाग्य का आपको साथ मिलता है, पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिलता है, पिता के साथ संबंध सुधरते हैं, धर्म कर्म में ज़्यादा रुचि रहती है, उसके फल भी मिलते हैं। आपको जो थोड़े से कम प्रयास में ही आपको ज़्यादा चीज़ें मिलने लगती हैं या सफलता मिलने लगती है, और ये कहे कि भाग्य आपके साथ रहता है, बस ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो अब दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है ये आपको बहुत पसंद आया होगा, कि मंगल के छठे भाव में किस तरह के फल आपको देखने को मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बुध के उपाय यहाँ पे करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। माता दुर्गा की पूजा करिए, भगवान गणपति की पूजा करिए, बुध के मंत्र जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करें आप, और साथ साथ आप हरे रंग के कपड़ों का ज़्यादा प्रयोग करें, पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं, उससे पहले आप ज्योतिष की परामर्श अवश्य ले लें, यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। आप बुध का अनुष्ठान भी पंडित से करें या करवाएं या खुद करें, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप इनकी शांति ज़रूर करवाइए। मंगल की शांति हेतु है, आप सिर्फ मंगल या बजरंग बली का आप उपाय कर सकते हैं। मंगल के मंत्र जाप कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाके दर्शन करिए, लाल कपड़े यहाँ पर ज़्यादा प्रयोग करें आप, ये आपके लिए उपाय है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।